हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे रेशनल फंक्शन का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2/2x + 1। अब एक्स क्या दिया गया है, डज नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। एफ इनवर्स एक्स ये गया तो 1 माइनस ये x होगा, सॉरी x -2 माइनस का 2x + 3। ठीक, ये इसका आंसर। और कैसे होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax + b / c h + d, और x दिया गया है डज नॉट इक्वल टू t/c। ठीक है, अब इसको f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इनको का प्लेस चेंज कर देंगे। ठीक है, d इधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा। ठीक, सॉरी dx / a। ठीक, एंड जो b और ये c ये वाला दिया गया है, इनका साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का एंड माइनस का cx + b। ठीक, ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होता है। क्या है, इसमें ये दिया गया है f इनवर्स x निकालेंगे तो इनका सब चेंज कर देंगे तो ये इधर चला गया तो 1 यानी x अपॉन ये नीचे है तो 3 हो गया। ठीक, इनका साइन चेंज कर दिया तो माइनस का 2 एंड माइनस का 2x + 3, यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए और ये देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 6x - 4 एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 2/3। ठीक, चलिए इसको भी सेम वही करना है, इनमें इसमें भी एफ इनवर्स एक्स 4 इनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 4 ये चला गया तो माइनस का 4x, ठीक, अपॉन ये 4 नीचे आया तो प्लस का 4। ठीक, एंड इनका जब साइन चेंज कर दिया तो -3 एंड माइनस का 6x। ठीक, समझ आया, इसका ये आंसर हो गया। अब इसका देख लेते हैं, सेम इसका है, ये भी इसका भी यही प्रोसेस है, f ऑफ x 2x + 1/x + 3। ठीक है, ये x डज नॉट इक्वल टू -3 है दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू 2x इनको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3x अपॉन यहाँ पे नीचे 2 आ गया। ठीक, एंड इनका साइन चेंज होगी -1 एंड माइनस का x + 2। समझ आया, ये मैं आपको दे रहा हूँ, सब कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, f ऑफ x 4x माइनस का 5 9x + 3 x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक, कमेंट करके बताएं कौन क्या आंसर क्या होगा। थैंक यू।